आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सभी खबर आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। सन्हौला थाना के द्वारा बालू माफिया और बालू गाड़ी पर हो रही है बड़ी कार्रवाई, बालू माफिया में मचा है हड़कंप। भागलपुर जिले के सन्हौला थाना अंतर्गत सन्हौला थानेदार एवं खनन विभाग के द्वारा दो बालू लदे ट्रैक्टर बिना नंबर एवं बिना चलान के जब्त कर लिया है एवं शाम 4 बजे 4 मिनी हाईवा एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। बीते कुछ दिनों से लगातार सन्हौला थाने के द्वारा बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, लगातार गाड़ी का धरपकड़ जारी है जिससे स्थानीय बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। मालूम हो कि सुबह सवेरे सवेरे बिना नंबर के और बिना चलान के धड़ल्ले से जा रही दो बालू लदे ट्रैक्टर एवं शाम में 4 मिनी हाईवा एक ट्रैक्टर को सन्हौला पुलिस एवं खनन विभाग के द्वारा जब्त कर लिया गया है। जब्त किए गए दो ट्रैक्टर गाड़ी में कोई नंबर नहीं है। सूत्रों से पता चला है कि गाड़ी झारखंड का बताया जा रहा है, जिसमें सुबह पकड़े हुए गाड़ियों में से एक ट्रैक्टर धर्मेंद्र सिंह और दूसरा दीपक सिंह का बताया जा रहा है। बगैर चलान और बगैर नंबर का गाड़ी चलाना कहां तक उचित है? अगर इस गाड़ी से कहीं कोई बड़ी घटना हो जाती है तो किसकी जिम्मेदारी होगी? जहां एक तरफ बिहार सरकार भागलपुर जिले में बालू का खनन अवैध रूप से चलना बंद है तो वहीं दूसरी तरफ इन गाड़ियों के द्वारा परिचालन चालू है। सन्हौला थानेदार के निगरानी में आते ही बड़ी कार्रवाई किया है, दोनों ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया गया है। अब देखना यह है कि इस पर आगे क्या कार्रवाई किया जाता है। भागलपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे आप लोकल टीवी न्यूज के साथ, सब पर नजर, सबकी खबर। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।